नीतीश कुमार ने महागठबंधन क्यों बनाया है इसको आप समझ लीजिए। इसकी दो वजह, एक कि उनको ये इल्म है, था, मुझे मार्च में मिले दिल्ली में, मैं आपको बता ही दे रहा हूं, पहले भी बताता रहा हूं लोगों को, मार्च में दिल्ली में मिले तभी बताया कि हम महागठबंधन बनाएंगे, आप आइए हमारे साथ, तभी दिल्ली में आकर मेरे से मिले, 3-4 घंटे मिले। उनको ये पता था या पता है कि अगर उस व्यवस्था में वो रहते तो 2024 में लोकसभा चुनाव जीतने के बाद सबसे पहले भाजपा उनको हटाती और ये कहती कि अब हमारा मुख्यमंत्री होगा, क्योंकि भाजपा की मजबूरी लोकसभा चुनाव तक है, लोकसभा चुनाव में एक बार MP जीत कर आ गए तो उसके बाद उनकी सरकार दिल्ली में बन जाएगी, जिनको हटा देता। तो नीतीश कुमार ने उसको प्रीएम्प्ट करके महागठबंधन की व्यवस्था बना ली कि कम से कम 25 तक तो सिक्योर हो गया उनकी नजर में, ये पहली व्यवस्था है। दूसरी, जो आप लोग ये सुनते हैं रोज, पत्रकार हल्ला मचाते हैं कि नीतीश कुमार ने कहा कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व में अगला चुनाव लड़ा जाएगा, लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा कि वो क्यों कह रहे हैं। वो कह इसलिए रहे हैं कि नीतीश कुमार बिना सोचे समझे कोई बात नहीं कहते, ये नीतीश कुमार इसलिए कह रहे हैं, उनको कोई तेजस्वी यादव से प्रेम नहीं है, ना वो RJD के कभी वो समर्थक हो सकते हैं अपने जीवन में, वो सिर्फ एक नीतीश कुमार की अपनी सोच है कि अगर 25 के बाद तो मुझे रहना नहीं है, तो मेरे बाद ऐसी शासन व्यवस्था बन जाए, ऐसे लोगों की सत्ता, ऐसे लोग सत्ता में आ जाएं ताकि बिहार की जनता ही कहे कि भाई इससे बढ़िया तो नीतीश थे, इतना खराब हो जाए कि लोग खुद से कहने लगे कि इससे बढ़िया तो नीतीश थे। यह नीतीश कुमार का गुस्सा है कि आपने हमें 42 पर उतार दिया ना, हमने उनकी नजर में हमने इतना काम किया, हमने हमको आपने 42 जिताया, तो तुम्हें RJD की शासन चाहिए, तो लो तुम्हें RJD का शासन दे देता हूं। ये नीतीश कुमार का अपना सोचा समझा तरीका है अपनी लेगेसी बचाने के लिए, कि अगर उनसे अच्छा कोई बन जाएगा तो सरकार, लोग क्या कहेंगे कि भाई नीतीश से जान बचा ये बढ़िया सरकार चलने लगी, लेकिन अगर लालू जी का जंगल राज लौट आए, तेजस्वी यादव बन जाए, तो लोग क्या कहेंगे, अरे भाई इससे बढ़िया तो नीतीश जी थे। तो नीतीश कुमार का की इमेज बन गई, लेगेसी बन गई, और लोगों को समझ में आ रहा है कि नीतीश कुमार को कोई RJD से प्रेम हो गया है। अरे भाई नीतीश कुमार के साथ मैं उनके घर में 2 साल रहा हूं, मैं नीतीश कुमार को बहुत अच्छी तरीके से जानता हूं, इतने सीधे चलने वाले नीतीश कुमार नहीं है, कोई कदम उठाया है तो उसके पीछे पूरी सोची समझी रणनीति है। जब तक वो महागठबंधन में है तो CM बने हुए हैं, जब CM से हटे तो इतने खराब आदमी को बना दे कि जनता फिर कहे, ये ना कहे कि आप वापस CM बन जाइए, क्योंकि आप तो CM बन नहीं सकते, उम्र हो गई।